डियर स्टूडेंट, आज हम गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एनवायरमेंटल बायोलॉजी कंसेप्ट एंड स्कोप। ये दो पार्ट में हम स्टडी करते हैं इसकी। पार्ट वन में आज हम करेंगे कि कैसे ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है, कैसे टेम्परेचर और अदर फैक्टर, फिजिकल एनवायरमेंट, उन सब के अकॉर्डिंग कैसे ऑर्गेनिज्म अपने आप को रिस्पॉन्स करता है। तो इसका जो एनवायरमेंटल बायोलॉजी का जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है, वो बहुत विस्तृत है। यहाँ तक कि अब तो हर सब्जेक्ट के अंदर एक हम एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग भी स्टडी करते हैं, चाहे वो आर्ट्स के हों, चाहे वो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हों, उन सबको भी एनवायरमेंट के से रिलेट करके हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। पर्यावरण शब्द का अर्थ ही काफी व्यापक है, जिसे हम एनवायरमेंट कहते हैं। पर्यावरण की व्यवस्थित अध्ययन को ही हम पर्यावरण विज्ञान कहते हैं, अर्थात जो है पर्यावरण वह है जिसमें मूलभूत सुविधाएं जैसे हवा, पानी, खाद्यान्न, आवास, भूमि सब उपलब्ध होती है। सामान्य जीवन जीने के लिए भी हमें ये सुविधाएं उचित मात्रा में अच्छी क्वालिटी की चाहिए होती हैं। जीवों के चारों ओर की वस्तुएं उनके जीवन को प्रभावित करती रहती हैं और आपस में मिलकर के ये सारे एनवायरनमेंट का निर्माण करती है। प्रत्येक जाति, प्रजाति, स्पीशीज और सब स्पीशीज का पर्यावरण में अपना महत्व है, एवं किसी भी जीव का पर्यावरण से अलग जीवन भी संभव नहीं है। ये तो हम देखे, पर्यावरण में जो एनवायरनमेंट है उसमें प्रत्येक वस्तु अथवा जीव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यही पर्यावरण की या एनवायरनमेंट की इंटीग्रिटी या समग्रता का सिद्धांत है। जो एनवायरनमेंट है वो मानव जीवन तथा परिस्थिति की सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहाँ तक मानव जीवन का प्रश्न है वो सभी तत्व जैसे हवा, मिट्टी, जल सब पर्यावरण से ही प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से मनुष्य की एक सार्वभौमिक प्रवृत्ति होती है जिस स्वयं के विकास और हित के लिए वो जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको यूज करता है, उनका दोहन करता है, और अब तो दोहन जो है बेतहाशा कर रहा है जिससे पर्यावरण का जो है संतुलन बिगड़ रहा है और संपूर्ण वातावरण भी दूषित होता जा रहा है। इससे ये स्पष्ट है कि एनवायरनमेंट व जीव दोनों परस्पर एक दूसरे को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करते हैं। यदि प्रकृति का असंतुलन है, पर्यावरण प्रदूषण वर्तमान गति से बढ़ता रहे तो पृथ्वी पर जीवन की संभावनाएं भी जो है वो क्षीण हो जाएंगी। इसलिए परिस्थितियों में ये अत्यंत आवश्यक हो गया है कि जो ह्यूमन रेस है उसको पर्यावरण का, एनवायरनमेंट का ज्ञान होना चाहिए और इसी के साथ साथ में उसको पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान देना चाहिए। एनवायरनमेंट को व्यापक स्तर पर देखा जाए तो वह यह एक बहुआयामी प्रवृत्ति का है। इसकी यदि हम डेफिनेशन करें देखें तो एनर्जी सोर्स को सार्वभौमिक एक जरूरी विधि क्या हो सकती है। ऊर्जा प्राप्ति की विधि का स्थान पर्यावरण ले रहा है, अर्थात एनवायरनमेंट में व्याप्त नेचुरल रिसोर्सेज मानव जीवन के संचालन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। पर्यावरण जो है मूलतः अंग्रेजी के तीन शब्दों से बना है जिसमें हम ये कह सकते हैं, जिसमें लॉ जो शब्द है वो जिसका अर्थ है लैंड, एयर एंड वाटर। तो एनवायरनमेंट में भूमि, हवा और पानी जो है वो व्यापक रूप से समाहित है
और जीवन की सामाजिक, आर्थिक, जैविक, भौतिक, रासायनिक पक्षों को हर संभव प्रभावित भी कर रही है। तो इस तरह से एनवायरनमेंट जो है उसको देखते हैं तो वो पौधे व जीव जंतुओं को कई तौर पर प्रभावित कर रहा है। अब बेसिक कंसेप्ट क्या है एनवायरमेंटल स्टडीज का? ये एक अपने आप में ब्रॉड टर्म है। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायरनमेंट, जिसका मतलब है एनवायरमेंट, विच मीन टू एनसर्कल अराउंड और सराउंड, जो पूरे जीव जंतुओं को घेरे रखती है उसको हम कहते हैं एनसर्कल करता है। द बायोलॉजिस्ट जैकब वन ओरकल इंट्रोड्यूस द टर्म एनवायरमेंट इन इकोलॉजी। उस टर्म जिसने दी है उसका नाम था जैकब वन ओरकल ने। और जो ये एनवायरमेंट है ये पृथ्वी के सौर मंडल का एक विलक्षण ग्रह है और जिस पर जीवन के विविध रूप पाए जाते हैं। पृथ्वी के स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जीवन युक्त संयुक्त क्षेत्र जिसे हम बायोस्फीयर कहते हैं में ही पाई जाती है। जैव मंडल में जीवन के विविध रूप पाए जाते हैं। तो इसलिए ये जो बायोस्फीयर में फिजिकल व बायोटिक दोनों ही तत्व विद्यमान है। ये जो फैक्टर्स हैं वो अलग अलग होते हुए भी आपस में कारण प्रभाव संबंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, यानी इफेक्ट करते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं। इसमें म्यूचुअल इंटरेक्शन और इंटरडिपेंडेंस भी होती है। उदाहरण के लिए जैसे हम देखें कि जो जीव है वो अपनी प्रकाश, तापमान, जल, आवाज जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति जो कि एक फिजिकल फैक्टर्स हैं उस पर प्रभावित करते हैं। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जिन पर सभी स्तर के जो उपभोक्ताओं का जीवन निर्भर करता है, परंतु हरे पौधे जो है अपने मृत अवयवों को डीकम्पोज नहीं कर सकते, इसके लिए हमें डीकम्पोजर की आवश्यकता होती है। इसी तरह डीकम्पोजर अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते तो उन्हें पौधे और जीव जंतुओं पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए समराइज करके हम ये कह सकते हैं कि एनवायरमेंट में जो विद्यमान है समस्त बायोटिक एवं फिजिकल फैक्टर को अपनी अपनी भूमिका है जिसका प्राकृतिक नियमों के अंतर्गत निर्वहन होता है। इसी से जो इंटीग्रिटी है वो एनवायरमेंट की बनी रहती है। तो ये हमने एक एग्जांपल से देखा जिसमें एनवायरमेंट है वो पूरा एक सर्कल है। इकोलॉजी जो है वो स्टडी है इंटरेक्शन बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड सम काइंड ऑफ इट्स एनवायरमेंट एज गिवन बाय द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एनवायरमेंट जो है वो सम टोटल है, मैंने अभी बताया, लैंड, वाटर, एयर, इंटर रिलेशन अमंग देमसेल्फ एंड आल्सो विद ह्यूमन बींग्स, ये अभी हमने डिटेल में मैंने अभी समझाया है, एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। Environmental science is the interdisciplinary field and requires the study of the interaction among the physical, chemical and biological component of environment with a focus on environmental pollution and degradation. अभी हमने अभी बात करी है कि ये मैंने हिंदी में आपको समझाया कि ये physical, chemical और biological component है environment का और इसका साथ में हम environmental pollution को भी और डिग्रेडेशन को भी फोकस करते हैं। तो ये हमारे स्कोप में इन सब चीजों को लेके चलते हैं। एनवायरमेंटल जो स्टडी है वो मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जिसमें हम पूरी होलिस्टिक अप्रोच से चलते हैं। द जो साइंस ऑफ एनवायरमेंट स्टडी है वो हम उसकी बहुत सारी ब्रांचेज है जिसमें मैं पहले भी बताया कि इवन आर्ट्स में भी हम अब इसको स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लाइफ साइंस, मेडिकल साइंस, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, सैनिटरी, इन इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंस एटसेट्रा, इन सब में भी हम एनवायरनमेंट के ऊपर बात करते हैं। या रादर अब तो हम हिंदी में भी एक एनवायरमेंटल सब्जेक्ट लेके चलते हैं। इट इज द साइंस ऑफ फिजिकल फिनोमेना इन द एनवायरनमेंट। ये एक साइंस है जिसमें हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट में कैसे
भौतिक क्रियान्वयन हो रहा है. स्टडी द सोर्सेज रिएक्शन ट्रांसपोर्ट इफेक्ट एंड फेट ऑफ ए बायोलॉजिकल स्पीशीज इन द एयर वाटर एंड सॉइल एंड द इफेक्ट ऑफ एंड द फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी अपॉन दीज. तो ये जो इसके अंदर स्टडी में हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट का क्या इफेक्ट है और बायोलॉजिकल स्पीशीज का एयर में क्या, वाटर में, सॉइल में इनका क्या भविष्य है और ह्यूमन एक्टिविटी जो है इन एनवायरमेंटल पे क्या इफेक्ट डालती है और एनवायरमेंट का भी इन सब पे क्या इफेक्ट है, इन सब के बारे में हम एनवायरमेंटल स्टडीज में अध्ययन करते हैं. Environmental science deal with the study of processes in soil, water, air and organism which lead to pollution or environmental damages and the scientific basis for the establishment of a standard which can be considered acceptably clean, safe and healthy of human being and natural ecosystem. जो इसमें हमने पहले भी बात की है कि सॉइल, वाटर, एयर और ऑर्गेनिज्म जो है ये सब एक्टिविटी होती है तो जिससे क्या होता है कि एनवायरनमेंट को डैमेज होता है, जिससे पोल्यूशन के चांसेस बढ़ जाते हैं और हम इसमें एक साइंटिफिक बेसिस पर एक स्टैंडर्ड को एस्टेब्लिश करते हैं एनवायरनमेंट के, जिससे हमें क्लीन, सेफ और हेल्दी जो है वो एनवायरनमेंट मिले या इकोसिस्टम बने और ह्यूमन बीइंग्स और अदर जितने भी बायोटिक एनिमल्स हैं, बायोटिक लिविंग थिंग्स हैं, बायोटिक्स फौना और फ्लोरा दोनों को इसमें फायदा हो. द एनवायरनमेंट इज अबाउट द सराउंडिंग एक्सटर्नल कंडीशंस इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ पीपल, एनिमल्स और प्लांट्स, लिविंग और वर्किंग कंडीशंस एटसेट्रा. तो जो एनवायरनमेंट होता है वो इन्फ्लुएंस भी करता है पीपल, एनिमल और उसकी प्लांट्स की ग्रोथ पर और डेवलपमेंट पर. दिस इन्वॉल्व थ्री क्वेश्चन, इससे हमें तीन क्वेश्चन इन्वॉल्व होते हैं. व्हाट इज सराउंडेड, क्या हमारे चारों तरफ हम पाया जाता है, बाय व्हाट सराउंडेड क्या पाया जाता है, वेयर सराउंडेड क्या है, कब क्या पाया जाता है और किस से हम घिरे हुए हैं. द आंसर इज द फर्स्ट इज लिविंग ऑब्जेक्ट इज जनरल एंड मैन इन पर्टिकुलर. ह्यूमन लाइफ इज कंसर्न टू बी मेन इन द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट. और अब हमने ज्यादा फोकस क्या किया हुआ है इस एनवायरनमेंट में कि हमें ह्यूमन की लाइफ को ज्यादा कंसिडर करके हमने एनवायरनमेंट की स्टडी का अप्रोच रखा है. However, human life cannot exist or be understood in isolation from the other forms of life like animal life and from plant life. तो human life है वो एकदम हम अलग करके नहीं सोच सकते, इसके साथ हमें plant और animal के साथ भी हमारा interaction रहता है, उनकी life को भी हम इन्वॉल्व करके देखते हैं environment के अंदर. Environment belongs to all living being and is thus important for all. इसलिए एनवायरनमेंट में हम सभी लिविंग बींग्स का जो है उतनी इम्पोर्टेंस रखते हैं. हैंस एनवायरनमेंट रेफर टू द सम टोटल ऑफ कंडीशन फाउंड इन स्पेस एंड टाइम. तो इसलिए एनवायरनमेंट के अंदर हमें सब तरह की कंडीशंस को जो हमें चारों तरफ से घेरती है, चाहे वो स्पेस में हो, चाहे समय के साथ हो, वो हम सब एनवायरनमेंट के अंडर ही स्टडी करते हैं. द स्कोप ऑफ द टर्म एनवायरनमेंट हैज बीन चेंजिंग एंड वाइडनिंग बाय द पैसेज ऑफ टाइम. अब एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा स्कोप हो गया है क्योंकि ये समय के साथ साथ बहुत बड़ी होती चली गई है. इन द प्रिमिटिव एज द एनवायरनमेंट कंसिस्टेड ऑफ ओनली फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट अर्थ, दैट इज लैंड, वाटर एंड एयर एज बायोलॉजिकल कम्युनिटीज. तो पहले तो हम केवल जो था इसका केवल फिजिकल एस्पेक्ट पढ़ते थे, इन तीन चीजों को लेके चलते थे, लैंड, वाटर और एयर को, साथ साथ में बायोलॉजिकल की जो कम्युनिटीज हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, उन सब के बारे में स्टडी करते थे.
लेकिन अब हम इसके साथ साथ में इसकी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस को भी स्टडी करते हैं. द आंसर फॉर द क्वेश्चन वी आर सराउंडेड इज इन नेचर दैट फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द प्लैनेट अर्थ विद लैंड, एयर, वाटर एटसेट्रा सपोर्ट एंड इफेक्ट द लाइफ इन द बायोस्फीयर. तो जो इससे क्वेश्चन का जो आंसर है ये यही है कि हम जो नेचर में जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे वो प्लैनेट पे हो, लैंड, एयर, वाटर, जो हमारे इस बायोस्फीयर की लाइफ को इफेक्ट करते हैं, वो सब हम इस क्वेश्चन के अंडर ही स्टडी करेंगे. अब हम देखें डेफिनेशन क्या है एनवायरनमेंट की. तो सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है एनवायरनमेंट की. अकॉर्डिंग टू बोरिंग जो है फर्स्ट डेफिनेशन है, पर्सन एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द सम टोटल ऑफ द स्टिमुलेशन विच ही रिसीव्स फ्रॉम हिज कंसेप्शन अंटिल हिज डेथ, इंडिकेटिंग दैट एनवायरनमेंट कंप्राइजेज वेरियस टाइप ऑफ फोर्सेज सच एज फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल, मॉरल एंड इमोशनल. इसने पर्सन के एनवायरनमेंट के बारे में बात की है, जो कि सम ऑफ जो स्टिमुलेशन देता है, रिसीव करता है जब तक डेथ नहीं हो जाती, चाहे वो एनवायरनमेंट के डिफरेंट फोर्सेस, चाहे वो फिजिकल हो, यानी सर्दी पड़ना, गर्मी पड़ना, इस ढंग से टेम्परेचर, एयर और लैंड, चाहे वो इंटेलेक्चुअल का हो, चाहे वो मेंटल हो, वो इकोनॉमिकल हो, इन सबको उन्होंने एनवायरनमेंट की डेफिनेशन में लिया. लेकिन डगलस एंड हॉलैंड डिफाइंड द टर्म एनवायरनमेंट इज यूज टू डिस्क्राइब एंड एग्रीगेट ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज, इन्फ्लुएंसेज एंड कंडीशन विच इफेक्ट द लाइफ, नेचर, बिहेवियर एंड द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड द मेच्योरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इस टर्म के अंदर हम जो डगलस एंड हॉलैंड ने दी, उसमें हमने एग्रीगेट किया एक्सटर्नल फोर्सेस को और जो इन्फ्लुएंस करता है और इफेक्ट करता है लाइफ को, जिससे हमारा नेचर, बिहेवियर और ग्रोथ में की डेवलपमेंट और मैच्योरिटी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो इफेक्ट होती है, और इसी को हमने एनवायरनमेंट दिया. अब हम स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट देखते हैं. द एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ फोर सेगमेंट ऑफ द अर्थ, नेमली एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर. एटमॉस्फेयर जो है फर्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ डिस्टिंक्टिव प्रोटेक्टिव लेयर अबाउट 100 किलोमीटर थिक अराउंड द अर्थ. लाइन से क्लियर हो रहा है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है 100 किलोमीटर तक के. ब्लैंकेट ऑफ गैसेस कॉल्ड एटमॉस्फेयर सराउंड द अर्थ एंड प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन्स हार्मफुल यूवी रेज. तो ये क्या करता है, ब्लैंकेट की तरह भी हमारे को चारों तरफ से गैसेस का ब्लैंकेट बना रहता है, जिससे हमें हार्मफुल गैसेस से, यूवी रेज से हमें इससे बचाव होता है. इट सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ, ये इसी हवा की वजह से हमारे लाइफ में, जो अर्थ पे लाइफ है. इट आल्सो रेगुलेट टेम्परेचर प्रिवेंटिंग द अर्थ फ्रॉम बिकमिंग टू हॉट और टू कोल्ड. और ये टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, जिससे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कभी टू हॉट और टू कोल्ड ना बन पाए. और इट सेव्स इट फ्रॉम द हॉस्टाइल एनवायरनमेंट ऑफ आउटर स्पेस. और ये बाकी के दूसरे स्पेस के एनवायरनमेंट से भी हमें आपको बचाए रखता है. द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बिसाइड आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रेस गैसेस. एटमॉस्फेयर जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और ट्रेस गैसेस के भी पाई जाती है. द एटमॉस्फेयर हैज ए मार्क्ड इफेक्ट ऑन द एनर्जी बैलेंस एट द सरफेस ऑफ द अर्थ. जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे अर्थ पे एक ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत भी है. इट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द कॉस्मिक रेज फ्रॉम द आउटर स्पेस and a major portion of the EM radiation from the sun.
और ये एब्जॉर्ब भी करता है कॉस्मिक रेज, जिसे हमें यूवी रेज भी कहा, और आउटर स्पेस की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं सन की, वो उनसे भी हमें बचाता है। इट ट्रांसमिट ओनली यूवी विजिबल नियर इंफ्रारेड रेडिएशन एंड रेडियो वेव्स व्हाइल फिल्टरिंग आउट टिश्यू डैमेजिंग यूवी वेव्स बिलो अबाउट 300 नैनोमीटर। तो ये जो है ये इट ट्रांसमिट ओनली यूवी, ये यूवी वेव को ट्रांसमिट करता है विजिबल को, नियर इंफ्रारेड रेडिएशन को, रेडियो वेव को, और फिल्टर आउट भी करता है, जिससे हमारा क्या है कि टिश्यू डैमेज नहीं हो, और ये जो डैमेज की रेंज है वो 300 नैनोमीटर है। तो नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर। ये हाइड्रोवर्ड ही हम जो कंसाइज करते हैं उसका मतलब है पानी। ऑल टाइप्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ओशियन, सीज, लेक्स, रिवर स्ट्रीम्स, रिजर्वायर्स, पोलर आइस केप, ग्लेशियर एंड ग्राउंड वाटर। तो जो हाइड्रोस्फीयर है वो सभी तरह का पानी के जितने रिसोर्सेज है उनको, जो हमने भी बोला, उनके ऊपर डिपेंड करता है। ओशियन जो है वो 97% है अर्थ का वाटर, 2% जो है वो हमारे पोलर आइस केप्स और ग्लेशियर्स में है, 1% जो है वो फ्रेश वाटर है, सरफेस वाटर है, जिसे रिवर, लेक, स्ट्रीम्स और ग्राउंड वाटर जो कि ह्यूमन यूज के लिए है। लिथोस्फीयर, लिथो इज द आउटर मेंटल ऑफ द सॉलिड अर्थ। लिथोस्फीयर में जो है जितना भी अर्थ का जो आउटर मेंटल है उसको लिथोस्फीयर में लिया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स अकरिंग इन द अर्थ क्रस्ट एंड द सॉइल। इसमें हम मिनरल्स जितने भी आते हैं अर्थ क्रस्ट पे और सॉइल में, उनको हम लिथोस्फीयर में स्टडी करते हैं। मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर, ये जो है लिथोस्फीयर के अंडर दिया जाता है या स्टडी किया जाता है। बायोस्फीयर इंडिकेट्स द रिलायंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट विद एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। बायोस्फीयर का इंटरेक्शन होता है एनवायरनमेंट के साथ, जिसमें एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर आते हैं। तो स्कोप जो है एनवायरमेंटल स्टडी का वो बहुत वाइड है और इसमें बहुत सारे एरिया आते हैं, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के बारे में स्टडी करते हैं, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट पढ़ते हैं, पॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका पॉल्यूशन हो रहा है, कंट्रोलिंग द पॉल्यूशन, कैसे पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाता है, सोशल इशू कनेक्टेड टू इट, और इस इन सब से कितना हमारा सामाजिक जो है वो जुड़ाव रहता है, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ऑन द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट का के ऊपर ह्यूमन की ह्यूमन पॉपुलेशन का क्या इम्पैक्ट है, ये सब भी हम एनवायरनमेंट के स्टडीज में देखते हैं। तो इस तरह से एनवायरनमेंट के ऊपर हमने ये जनरल इंट्रोडक्शन देखा और इसका स्कोप देखा, इसका एप्लीकेशन देखी कि क्या क्या इसकी ब्रांचेज में ये वाइड होता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है, इन सबको हम देखते हुए अब हम जो है नेक्स्ट पार्ट टू में इसी के क्रम में हम आगे भी देखेंगे कि ये एनवायरनमेंट जो है नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है और मैन मेड एनवायरनमेंट किस प्रकार से बनाया गया है। तो इस तरह से हम आगे पार्ट टू में इसको देखते हैं। थैंक यू सो मच।